हेलो एवरीवन। तो गाइस, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपना पिछला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट काफी शानदार तरीके से वो मैच जीता है। अब आरआर की टीम की तरफ से इस मैच के बाद चार बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसमें शिवम दुबे को लेकर बड़ी खबर है। वहीं पर आरआर की टीम के फास्ट बॉलर कार्तिक त्यागी और आरआर की टीम के प्ले ऑफ में जाने को लेकर कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। ऐसी चार बड़ी अपडेट्स आई हैं। इन चारों ही बड़ी अपडेट्स के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा, तो इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बात करें सबसे पहली बड़ी अपडेट की, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ये खबर है आरआर की टीम के ओपनर्स को लेकर। अब आरआर की टीम के दोनों ही ओपनर्स बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। एविन लुईस से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे के मैचेस में वो बड़ी पारी खेले, छोटी पारी तो वो अच्छी खासी खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का भी फॉर्म दिखा है इस सीजन में और काफी बढ़िया वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आरआर की टीम के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आरआर की टीम के दोनों ही ओपनर्स बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और आरआर की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग साझेदारी दे रहे हैं। पर गाइस, बात करें हम दूसरी खबर के बारे में तो ये खबर निकल कर आ रही है शिवम दुबे की तरफ से। शिवम दुबे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने कुछ यहां पर बयान दिए, कुछ उन्होंने बातें बताई जहां पर इन्होंने कहा है कि जब आईपीएल 2021 का फर्स्ट हाफ खत्म हुआ था, उसके बाद जब आईपीएल बंद हो गया था, ऑफ सीजन था, वहां पर शिवम दुबे ने अपनी बैटिंग में काफी ज्यादा काम किया और उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने खुद को काफी ज्यादा अपग्रेड किया, काफी उन्होंने अपनी गेम पर मेहनत करी है, ऐसा शिवम दुबे का मानना है। और वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे क्योंकि इनको मौके नहीं मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली वैसे ही उन्होंने प्रदर्शन किया। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और कल उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। वहीं पर गाइस, बात करें हम तीसरी खबर के बारे में, तीसरी अपडेट के बारे में बात करें तो ये खबर है कार्तिक त्यागी को लेकर, जहां पर पिछला मैच जो चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट हुआ था वहां पर कार्तिक त्यागी की जगह पर आकाश सिंह के लेते इनको बाहर बिठाया गया था। तो इसके पीछे की रीजन की बात करें जो अभी तक जो अपडेट आई है उसके मुताबिक शायद इनको थोड़ी सी इंजरी ये इनको निगल शायद हुआ है, इसी वजह से आरआर की टीम ने इनको नहीं खिलाया था। और आरसीबी के अगेंस्ट जब मैच हुआ था आरआर की टीम का, वहां पर भी इन्होंने सिर्फ दो ही ओवर्स डाले थे, तो ऐसे में कुछ इंजरी का ही इशू था और थोड़ा सा शायद निगल ही इनको हुआ था, इसी वजह से वो पिछले मैच में नहीं खेले और शायद एमआई के अगेंस्ट जब मैच होगा वहां पर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल भी हो जाएंगे और टीम में उनकी जगह भी बन जाएगी। वहीं पर गाइस, बात करें हम चौथी अपडेट के बारे में तो ये है आरआर की टीम की क्वालिफिकेशन को लेकर। अब आरआर की टीम के दो मैचेस बचे हैं। आरआर की टीम अभी 10 पॉइंट के साथ नंबर 6 पर है। अब आरआर की टीम अपने दोनों ही मैचेस जीत जाती है तो आरआर की टीम के पास बहुत ही बढ़िया चांस है टॉप 4 में जाने का। आरआर की टीम को टॉप 4 में जाना है तो ये दोनों ही मैचेस जीतने होंगे और पंजाब की टीम को एक मैच हारना पड़ेगा, उनके जो मैचेस बचे हैं उसमें से एक मैच उनको हारना पड़ेगा। और ऐसे में अगर वो हारती है और आरआर की टीम अपने दोनों ही मैचेस जीत जाती है तो आरआर की टीम टॉप 4 में पहुंच जाएगी। आरआर की टीम के पास मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है टॉप 4 में जाने के लिए। आरआर की टीम के पास ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टॉप 4 में जाने के लिए और आरआर की टीम ने जैसा पिछले मैच में प्रदर्शन किया वैसा ही प्रदर्शन कंटिन्यू रखती है तो आरआर की टीम डेफिनेटली हमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती हुई नजर आ सकती है। आपकी क्या राय, आरआर अगला मैच एमआई के अगेंस्ट जीतेगी या नहीं जीतेगी और आखिरकार आरआर की टीम पॉइंट टेबल पर कहां फिनिश करेगी वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।